वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट भी करेंगे और कुछ आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर कर सकूँगी, क्योंकि आज मेरे किडनी में बहुत ज़्यादा जो है ना पेन है। माँ की भी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शूट करते हैं और आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करते हैं। इस टाइम आप पराठा बना के दे रही हूँ बच्चों को। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा इस टाइम हमने पराठा और चाय लेनी है। उनका चलो ठीक है, ये बना देती हूँ। दिखाओ उसमें। मेरे बच्चों को चाय और पराठा बहुत फेवरेट है, शौक से खाते हैं। इनका चलो इस टाइम ये इजी वे है, जल्दी फारिग हो जाएंगी किचन। कमरान आपका बनाओ। मैंने किचन के बर्तन सारे वॉश कर लिए हैं और अब ये खुश्क हो गए थे, तो मैंने कहा इनको रैक में लगा देते हैं, तो बस किचन कंप्लीट हो गया। जी आज बच्चों का दिल कर रहा है कि मम्मा हमें पकौड़े बना के दें, तो मैंने कहा चले आलू थोड़े से पड़े हुए, तो ये देखें अभी मैं बैटर बना रही हूँ। इसमें मैंने बेसन में नमक मिर्च है। फिर मैं सारे अपनी डॉल तैयार कर रही थी, उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। घर के सारा यहाँ से क्लीन किया, ये वाला एरिया चलो इसमें इसको पीछे करो। वो स्विच है बेटा, देखो इधर पानी भी खड़ा है, ये देखो एक करंट आएगा इसकी वजह से इसमें। अच्छा ये पुराना है ना, इस पर से स्टेन नहीं जाते, इतना मर्जी वो एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन स्टेन नहीं जाते इस पर से। मेरा फ्रीजर साफ करने बहुत गंदा हुआ होता। तो व्यूअर्स इस टाइम माहा की मैंने आपको बताया ना आज तबीयत बहुत ख़राब है, टेम्परेचर है उसे, ये देखिए अब माहा अपनी पोनी कर रही है। चलो माहा आपको, माहा को मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, तो चलते हैं। रजा आप अंदर बाबा के पास बैठो, चलो आओ माहा हम चले। और आज हांडी बना रहे हैं जी, दूर के गुर्दों में दर्द हो रहा है। मौसम की वजह से कुछ असरात ऐसे हैं कि मौसम से बच्चे बीमार, गला खराब, जो है ना मेरे किडनी में स्वेयर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है मुझे। और अभी मैं लेटी हूँ तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, मेडिसिन मैंने ले ली है और मेरे बच्चे अपना ही तंग कर रहे हैं मुझे। देखना ज़रा रजा कहाँ घुसा हुआ, देखना रजा, सारे कपड़े मेरे डस्टी हो गए। दवाई लेके आई हूँ,
तो डॉक्टर ने कहा उसको तकरीबन 102 बुखार है, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसे कुछ नहीं खाने हो रहा। फिर मैंने वापसी पे थोड़ा सा सागुदाना लिया, अब उसे पानी में भिगोया, मैंने कहा इसको सागुदाना बना के देते हैं ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो, क्योंकि बिस्किट खाने से उसको एनर्जी तो नहीं आएगी, एनर्जी तो उसे किसी ऐसी चीज़ से आएगी जो एनर्जेटिक हो। तो गला इतना ज़्यादा स्वेयर गला उसका ख़राब है कि कुछ ना गले से उसके गुजर नहीं रहा। और मैं दूध की कीमतों पर इतनी परेशान हूँ, वही दूध जो एक दिन पहले मैं 50 रुपीज़ का लाई थी और अभी गई हूँ तो वो कह रहा है भाई 60 का हो गया, यानी कि 2 दिन के फ़र्क से 10-10, 20-20 रुपए हर चीज़ पे बढ़ हैं। थोड़े से बर्तन हैं वो वॉश करते हैं, साथ आपको दिखाते हैं सागुदाना बिल्कुल लाइट फ्लेम पे रख लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए। ये देखें जी, अब ये चीनी भी डाल दी है बस हल्की आँच पर, इसको रख दिया बनने के लिए। ये देखें जी सागुदाना काफ़ी हद तक ये देखिए सॉफ्ट हो गया, सब थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे ठीक हो गया काफ़ी। और आज मेरी कैमरा मैन है जी रुमैसा, इस वजह से देखिए पता नहीं कैसी वीडियो शूट करती। मैसा इधर करो, इसमें स्टडी कर रही है, वहाँ बीमार हुई भी है, रजा अपना होमवर्क कर रहा है, तो बस इस टाइम पर मैंने कहा वहाँ और मैसा आप बनाओ वीडियो। अच्छा मैंने अपने बचपन में बहुत शौक से खाया है साबुदाना, बहुत पसंद है मुझे, मेरे बच्चे पता नहीं अब देखो क्या करते हैं। एक दफा आपने बना के दिया था। हाँ यार एक बार मैसा आपको बना के दिया था। अच्छा ये वाला साबुन लेके आए थे कमान बर्तनों के लिए, अब मैं धोऊंगी इससे बर्तन, फिर देखते हैं कैसा है वॉश में। मैसा इधर ले आओ, साबुन हमारा फिनिश हो गया था, हल्का सा गीला वॉश नहीं करना पड़ता वरना ही सॉफ्ट नहीं होता। मैंने सोचा थोड़े से बिल्कुल बर्तन है साबुन क्लीन करते हैं और इजीली किचन साफ हो जाएगा। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता पानी ठंडा हो रहा है, फुल हल्का सा खोलते हैं। तो व्यूअर्स यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।